ताजा घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन वर क्लिक करा। सर, लाड़की बहन योजना का आज यहाँ पर टाउन हॉल में कार्यक्रम रखा गया है, काफी संख्या में यहाँ पर महिलाएं आई है, क्या कहेंगे सर? देखिए, पूरे शहर में ये आठवां कार्यक्रम है, आठवां मेलावा है, टाउन हॉल में तीसरा मेलावा है और आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक नगर सेवक ने, प्रत्येक पदाधिकारी ने और आमदार के कार्यालय से सतत भारतीय जनता पार्टी ने पूरे शहर में 91 से 95 हजार जो आवेदन भरे थे उसमें अधिकांश बहनों के खातों में 7,500 रुपए आए हैं। उसके अलावा 3 सिलेंडर जो फ्री हैं उसकी पहली किस्त 803 रुपए भी आई है। तो हमें ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी जो बहनों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए हमारे देवा भाऊ काम कर रहे हैं, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं, तो हमें भी लगा इन बहनों की खुशी बांटने के लिए ऐसे हम लोग कार्यक्रम लगाएं जिसमें बहनों अपनी बहनों के साथ बैठकर हम उनके साथ भोजन का आस्वाद लें। और ये आज आठवां कार्यक्रम है, कुल मिलाकर और 12 कार्यक्रम और होने हैं और हर एक कार्यक्रम में आप देखोगे कि मेरी बहनें आ रही हैं और बहुत उनमें उत्साह है और वह कह रही हैं कि ऐसी जो योजना है इससे पहले भूतकाल में कभी नहीं आई है और यह योजना हमारे पास आई है। हमारी दिवाली आप लोगों ने अच्छी कर दी है, यहाँ तक कि 7,500 सभी बहनों के खातों में पैसा आया, अक्टूबर और नवंबर की भी आ गए। हमने इनको बताया कि यह भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो कहती है वो करती है, नहीं तो नहीं आता। और मुझे इस बात का समाधान है कि प्रकाश माखीजा ने जो ये आज यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन किया वह पूरी तरह से सफल रहा। हमारे ऐसे कार्यकर्ता जो जमीन से जुड़े हुए हैं वो अवश्य भारतीय जनता पार्टी को आज तक जितनी इतिहास में मतदान नहीं मिला था उससे ज्यादा बढ़त लेकर हम इस विधानसभा का चुनाव जीतेंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। धन्यवाद। ना जो महाराष्ट्र सरकार एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में जो चालू की गई है उसमें आज मेरे वार्ड के महिलाओं के सत्कार के लिए एक कार्यक्रम रखा गया था, जिनको लाड़की बहन योजना का पैसा मिला है, लाभ मिला है, उनको आज उनकी उनका सत्कार रखा गया और मैं उनको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बड़ी तादाद में महिलाएं आई, पूरा हॉल फुल था, मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। ताजा घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सब्सक्राइब करा आणि बेल आयकॉन वर क्लिक करा।